मुरादाबाद में आज आम आदमी पार्टी की महिला विंग जिला अध्यक्ष सीता पाल ने अपनी टीम के साथ मणिपुर कांड व राज्यसभा सांसद संजय सिंह के निलंबन की बहाली को लेकर आक्रोश मार्च निकाला, जो कि प्रकाश नगर चौराहा से लेकर चौधरी चरण सिंह चौक तक निकाला गया और मणिपुर को 3 महीने से आग में जलता छोड़कर मोदी जी विदेश दौरे पर हैं। महिलाओं के साथ हिंसा, यौन उत्पीड़न, निवस्त्र करके महिलाओं की परेड निकाली गई। कितने दुर्भाग्य की बात है कि दोषियों को फांसी पर लटकाया नहीं जा रहा। इस पर मोदी जी संसद में क्यों नहीं बोले? मोदी जी, जनता को जवाब चाहिए। संजय सिंह ने सदन में मोदी जी से जवाब मांगा तो वह सामने नहीं आए, क्यों? सरकार मणिपुर मामले में चुप है, क्यों कोई फैसला नहीं लेती? आक्रोश रैली के माध्यम से कहा गया कि राज्यसभा सांसद संजय सिंह का निलंबन बहाल किया जाए। इस आक्रोश रैली में मुख्य रूप से पिछड़ा वर्ग के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर एपी सिंह, महिला विंग की जिला अध्यक्ष रीता पाल, ममता गुप्ता, अनीता पाल, बबीता राजकुमारी, रामबती, आरती भगवती, पुष्पा, मीना, अजय, अनिल विश्नोई, संतोष, स्मृति, राजबती, शीला, अजय कुमार, इमरान, रणवीर आदि लोग मौजूद रहे। देखिए, जो हमारे राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी हैं, जो इस समय मणिपुर में हाल हो रहा है, पिछले 2-3 महीने से जितना आतंक वहां पर मचा हुआ है, इतनी तबाही वहां पर मची हुई है, सदन में हमारे संजय सिंह जी ने कहा कि मोदी जी आप इस पर कुछ बोलते क्यों नहीं है, तो मोदी जी सदन में आकर के बोलने को तैयार नहीं है। कभी उनके बचाव में अमित शाह जी आ रहे हैं, कभी स्मृति ईरानी आ रही हैं। देखिए, मोदी जी को भी तो कुछ बोलना होगा। देश में इतनी बड़ी घटना हो गई है, मोदी जी पूरा देश चला रहे हैं, पूरे देश के मुखिया हैं, वो सब लोगों से बोलते हैं कि जनता मेरा परिवार है। जब ये आपका परिवार है, आप विदेश दौरे पर निकल गए, मणिपुर आग में जल रहा है, आप देख नहीं रहे हैं वहां पर महिलाओं के ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है, इतना अभद्र व्यवहार हो रहा है कि महिलाओं को घर से घसीट घसीट कर सड़कों पर मारा जा रहा है, उनके साथ रेप किया जा रहा है, लोगों को बेघर किया जा रहा है, और उसके बावजूद मोदी जी सदन में एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। देखिए, विपक्ष पे निशाना साधने से कुछ नहीं होगा, विपक्ष की बात एक अलग है, लेकिन आप अपना देश चला रहे हैं, देश में कुछ भी गलत हो रहा है तो इसके जिम्मेदार आप हैं। आप कब बोलेंगे? जब पूरे भारत में ऐसे होने लगेगा? आप इस दिन का इंतजार देख रहे हैं क्या? ऐसे तो घर से महिलाओं का निकलना ही दुश्वार हो जाएगा। जब महिलाएं मणिपुर में घर के अंदर सुरक्षित नहीं है तो बाहर कहाँ होंगी? मणिपुर भी हमारे भारत का ही एक हिस्सा है, वो कोई और देश नहीं है कि उसको कोई और देखेगा। तो मोदी जी को इसका जवाब देना पड़ेगा। और जिन लोगों को भी अरेस्ट किया गया है, जिन लोगों ने भी वहां पे ये कृत्य किया है, उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, उन्हें जिंदा जला दिया जाए या उनको फांसी दी जाए। मेरी यही आपसे बोल है। आज उत्तर प्रदेश के प्रभारी माननीय संजय सिंह जी के जिस तरीके से राज्यसभा से उनका निलंबन किया गया, उसके विरोध में आम आदमी पार्टी महिला विंग की जिला अध्यक्ष रीता पाल जी द्वारा मुरादाबाद में बड़ी संख्या में महिलाओं के साथ में मार्च किया गया और मोदी सरकार से ये मांग की जा रही है कि मणिपुर में जिस तरीके से महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ है, आप महिलाओं के सम्मान में क्या सदन में आकर के आपकी जवाबदेही इतनी भी नहीं बनती है कि सदन में आकर के अपना वक्तव्य रखें और बताएं कि आपकी जो है क्या जिम्मेदारी है प्रधानमंत्री होने के नाते? आपने जिस तरीके से जो है मणिपुर के लोगों के साथ जो है वहाँ अत्याचार हो रहा था और आप विदेश दौरे पर भेजी थे, आने के बाद आप लगातार इधर उधर की बात कर रहे हैं, आप सीधे सीधे जवाब दें कि आपकी जिम्मेदारी बनती है या नहीं? विपक्ष क्या कर रहा है, विपक्ष क्या नहीं कर रहा, ये अलग का विषय है। आप सरकार चला रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी है देश में के किसी भी प्रांत में किसी भी महिला के साथ कोई छेड़खानी हो, कोई अभद्रता हो, तो उसकी जिम्मेदारी सरकार की बनती है और सरकार जो है उनकी सुरक्षा करने में नाकाम आप साबित हुई है। और सरकार का ये सरकार से अपेक्षा कभी नहीं कोई करता है कि सरकार इस तरीके से मौन व्रत धारण कर लेगी और इसके बाद जो सदन में आवाज़ उठाएगा उसको आप निलंबन कर देंगे। तो इसलिए जो है जिला अध्यक्ष रीता पाल को और उनकी पूरी टीम को, ममता गुप्ता, इन सभी लोगों को मैं बधाई देता हूं कि इन्होंने संजय सिंह जी के सम्मान में ये कदम उठाया और जो है रैली निकालने का काम किया।